गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज हम लोग आए हैं आज पूजा स्थल में जिसका नाम है सिरसीता। तो चलिए दिखाते आज का नजारा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिरसीता और इधर सभी लोग जाते हैं नहाने के लिए और नहाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे पूजा स्थल। सो आप लोगों को मैं दिखा दूँ इधर नज़ारा, फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो। तो इधर ही हम लोग को नहाना है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी सभी लोग नहा करके आ रहे हैं, अभी पूजा के लिए जा रहे हैं और हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचे हैं दोस्तों। सो फाइनली अभी हम लोग इधर स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे जहां पे स्थल है सिरसीता का। तो फाइनली सबको नहा चुके हैं, अब चलना है हम लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी। तो देखिए पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तो हम लोग को पहाड़ के उस पार चढ़ना है ऊपर अभी। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं केकड़ो लाता और वहां पे जल उठा के हम लोग को जाना है, पहाड़ चढ़ना है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और अभी देखिए हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी वहाँ पर देखिए आपको भीड़ नज़र आता होगा। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बस और गाड़ी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो बोलेरो। तो अभी सभी लोग यहाँ पे देखिए पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोगों को चढ़ना है पहाड़। और अभी यहाँ पे पानी जल उठा रहे हैं और वहाँ पे केकड़ो लाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आपको पूरा दिखाने का कोशिश करूँगा। तो अभी यहाँ पे एक कुआँ है जो पानी कभी नहीं सोखता है, तो यहाँ से जल उठा करके अभी जाएंगे हम लोग केकड़ो लाता और वहाँ से हम लोग अखाड़ा की ओर चलेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग केकड़ो लाता की ओर पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे पहले से हैं, पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे प्रार्थना वगैरह सभी लोग कर रहे हैं। तो चलिए वहाँ पे पहुंचते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर किस तरह से जल उठा करके हम लोग को जाना पड़ता है अखाड़ा। तो अभी यहाँ पर पूजा हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं केकड़ो लाता और यहाँ पे देखिए पूजा हो रहा है और यहाँ से जल हम लोग को उठाना है और यहाँ से हम लोग चलेंगे अखाड़ा, जो हम लोगों को अभी 1 से 2 किलोमीटर अभी पैदल चल के जाना है और वहाँ से फिर हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स धबनी चुआ जो पहाड़ के ऊपर में है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है केकड़ो लाता और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे जल हम लोग को उठाना होगा अभी और यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग केकड़ो लाता से अभी होते हुए जल लेकर के अभी हम लोग जा रहे हैं धर्म अखाड़ा। तो अभी है अभी दूर ही है तो सभी लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं वहां पे धर्म अखाड़ा। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी लगभग दूर ही है फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर अभी हम लोगों को जाना है पैदल। और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कटोरा लेकर के है और सभी लोग प्रसाद देते हैं खाने के लिए, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग लगता है 1.5 किलोमीटर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स और हम लोग का 1.5 किलोमीटर जाना होगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं, देखिए वहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए जमा हुए हैं और अभी हम लोग जा ही रहे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं आप लोग देख सकते हो पूजा करके। और ये लोग सभी लोग अभी जाएँगे ढकनी चुआ जहाँ पे पहाड़ के ऊपर में है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो साग सब्जी बेचते हैं, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे साग भी है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली धर्म अखाड़ा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं धर्म अखाड़ा जहाँ पे चला माँ सरना माँ बैठती थी और धर्मेश बाबा जहाँ पे बैठते थे। तो यही वो स्थल है अखाड़ा जिसे धर्म अखाड़ा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं पूजा कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और कुछ लोग इधर भजन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भजन हो रहा है उधर पूजा हो रहा है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा जहाँ पे बैठते थे सरनामा और धर्मेश बाबा। तो अभी बहुत सारे लोग हैं पूजा कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। Okay.
तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे धर्मेश बाबा बैठते थे और उधर आप लोग देख सकते हो आगे वाला में चला सरनामा बैठती थी और यहीं पे सभी लोग आप लोग देख सकते हो पूजा करते हैं। जितने भी भाई बहन लोग आए हैं सभी लोग यहाँ पे अच्छे से पूजा करते हैं और जो आपको दिखाए थे केकड़ो लाता से जो जल लेकर आए हैं यहीं पर पूजा करते हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे दोस्तों। कैसे वाइड एंगल नहीं ना अब हम लोग जाने वाले हैं ढकनी चुआ जहाँ पे पहाड़ के ऊपर में है दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों और मैं आपको दिखाता हूँ। मुकेश बताओ कैसा लग रहा है? मुकेश आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा अमर जी आपको कैसा लग रहा है? चगने में पूरा चगने में मजा आ रहा था। अभी चढ़े नहीं है चगे नहीं तो क्या हुआ? अच्छा लग रहा है पूरा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं दोस्तों। पीछे है थक गया बेचारा हरमंत जी रह गए देखते सबसे पीछे है और सबसे फास्ट जो है ममता जी देखिए नहीं आसान होता था ना। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग देखिए ढबनी चुहा पहुंचने वाले हैं और ये फर्स्ट यहां से हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ और देखिए वहां पे पूजा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो चलिए वहां पे चलते हैं और मैं भी फर्स्ट बार आया हूं तो मुझे भी पता नहीं यहां पे कौन सा स्थल है। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर का पता है ढबनी चुहा सभी लोग बोलते हैं। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे भी सभी लोग पूजा कर रहे हैं दोस्तों और इनका मुझे तो नाम पता नहीं है क्या नाम है। तो जिन लोगों को नाम पता होगा आप लोग कॉमेंट करके बताना कि ये स्थल का नाम क्या है। तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे ढबनी चुहा जहाँ पर है और हम लोग को बहुत ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अब ये आप जब फर्स्ट पे चाहते हो तभी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए चलते हैं हम लोग ऊपर और अभी हम लोग को बहुत ऊपर जाना है फ्रेंड्स। तो देखिए सभी लोग जा रहे हैं पहाड़ चढ़ रहे हैं और पहाड़ चढ़ने के बाद वहाँ पे मिलेगा हम लोगों को ढबनी चुहा और वहाँ से जल उठाते हैं सभी लोग। तो वहाँ का मैं आपको दिखाऊँगा अभी जा ही रहे हैं दोस्तों। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो सभी लोग चढ़ ही रहे हैं और मुकेश देखिए कितना तेज है साइड से चढ़ रहा है अकेले और अमर जी को देख सकते हो पूरा धीरे धीरे जा रहा है साइड से। तो फ्रेंड्स ये मेरा पहली बार है मैं फर्स्ट टाइम आया हूं और अमर जी पहले आ चुके हैं तो वो बता रहे हैं कि अभी हम लोगों को और ऊपर चढ़ना है। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पर ढबनी चुहा है जहाँ सभी लोग अभी जा ही रहे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग दूसरा स्थल पहुंच चुके हैं और ये स्थल का नाम है अमर जी बता रहे हैं कि यह स्थल का नाम है धर्मकुड़िया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मकुड़िया दोस्तों और पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप जंगल का चढ़ गए थे वहां पे क्या नाम था मुझे पता नहीं आप लोग कॉमेंट करना और ये है धर्मकुड़िया। तो अभी हम लोग धर्मकुड़िया पास पहुँच चुके हैं दोस्तों और अब हम लोग को जाना है जहाँ पर ढबनी चुहा है। तो अभी हम लोगों को और ऊपर जाना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो और अभी हम लोग चलेंगे ऊपर जहाँ पे ढबनी चुहा है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखिए पहाड़ चढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा ऊपर फिर भी अभी आधा नहीं चढ़े हुए हैं और ये ऊपर का नज़ारा और देखिए नीचे। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अब हम लोग पहुंच ही चुके हैं ऊपर और पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हो हम लोगों को आगे दिखाई दे रहा है फ्रेंड ढबनी चुहा जहाँ काफ़ी लोग वहां पे भीड़ है
तो वहाँ पे सभी लोग, इसलिए भीड़ है फ्रेंड्स, वहाँ पे ढाबी चूहा सभी लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ पे जल वगैरह ले रहे हैं। तो अभी हम लोग भी पहुँचने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किधर है। और सभी लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करके बैठे हुए हैं। और फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे ढाबी चूहा और यहाँ पे जल खाया जाता है। तो अभी बहुत सारे लोग अभी जल लेने के लिए देखिए काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे कोई है अंदर में, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से जल सभी को दिया जा रहा है। सो गाइस फाइनली यही रहा ढाबी चूहा जो हम लोग यहाँ पे आए थे। और देखिए सभी लोग अपने अपने लोटा पे जल लेकर के घर चलेंगे। और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, और हम मैं फर्स्ट बार आया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और जितना ऊंचाई पे हम लोग चढ़ रहे हैं उतना नीचे भी हम लोग को जाना पड़ेगा उतर के। तो यही रहा फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, अब हम लोग घर की ओर चलेंगे। बहुत सखवा है ना इधर, खाली सखवे पेड़ है ना। तो दोस्तों अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो नीचे कितना ऊपर तक हम लोग आ चुके हैं। और सुनील अभी डंडा लेके चल रहा है क्योंकि इसका पैर में मोच आ गया है और ये चल नहीं सक रहे हैं। और देखिए चारों तरफ पूरा घना पहाड़ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो सुनील का हालत टाइट हो चुका है दोस्तों, और डंडा लेकर देखिए कैसे जा रहा है। फ्रेंड फाइनली हम लोग पहाड़ से नीचे आ चुके हैं, और ये गुमला है, और हम लोग पहली बार आए थे गुमला और आप लोगों को दिखाया। तो हम लोग उस पहाड़ गए थे पूरा ऊपर पहाड़ के उस साइड, और अमर जी देखिए पूरा थक गया इसीलिए डंडा लेके चल रहे हैं पूरा बुढ़ा जी सा। सो इधर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, जैसे पहाड़ से आप लोग उतरते हैं तो यहाँ पे दुकान वगैरह लगा हुआ है, और बहुत सारा फोटो और देखिए माला वगैरह बिक रहा है। तो जिनको ख़रीदना होगा ये सब यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है दुकान, और ये लोग भी सभी दूर से आए हैं बेचने के लिए। और अभी दूर दूर तक हम लोगों ने देखा कोई ऐसा साधन नहीं था यहाँ पर कि दुकान वगैरह। सो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो इधर दुकान वगैरह लगा हुआ है, और हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग ऊपर चढ़े थे पहाड़, और फर्स्ट टाइम था मेरा। और अमर जी पहले आ चुके हैं इधर, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दुकान वगैरह लगा हुआ है। सो अब हम लोग घर चलेंगे दोस्तों। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।